हेलो गाइज, आज मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ जुगाड़ बताने वाला हूँ। ये ऐसे जुगाड़ हैं जिनसे आप व्हाट्सएप पर वो सभी कुछ कर पाएंगे जिनकी रेस्ट्रिक्शंस व्हाट्सएप पे हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप अभी तक इमेज अपनी व्हाट्सएप पर भेजते थे और उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती थी, वो इमेज की क्वालिटी एक्चुअल नहीं जाती थी, तो आप उसको एक्चुअल क्वालिटी में भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 16 MB तक की इमेज। साथ ही साथ दो ऐसी ट्रिक्स और हैं जो व्हाट्सएप के लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूँ व्हाट्सएप की इमेज वाले जुगाड़ से। लेकिन उससे पहले यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। और शुरू करता हूँ व्हाट्सएप का आज के जुगाड़। देखिए, अगर मुझे किसी को एक इमेज अपनी सेंड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज है, ये मुझे सेंड करनी है। इसका एक्चुअल साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एक्चुअल साइज़ है 13.28 MB। अब काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसको अगर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अटैचमेंट पे जाते हैं, गैलरी हमने सेलेक्ट की और यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से भेज देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जो फ़ोटो है इसका जो क्वालिटी है इमेज की वो रिड्यूस होकर जाती है, ओरिजिनल इमेज का जो साइज़ है वो नहीं जाता। अब आपको ओरिजिनल इमेज का जो साइज़ है वो कैसे भेजना है जिससे इमेज की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अटैचमेंट पे जाने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से वो इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है जो आप अभी तक गैलरी में जाके सेलेक्ट कर रहे थे। 13.92 MB की वो इमेज थी, अब ये वाली इमेज है वो। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ तो ये देखिए वो इमेज एज अ डॉक्यूमेंट जाती है जिससे इमेज की क्वालिटी जो है वो ज़रा सी भी जो है वो नहीं ख़राब होगी। जो इमेज का एक्चुअल साइज़ है वो उससे चली जाएगी इमेज, ये देखी गई। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस से परेशान हैं, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं और उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ काफ़ी सारे आते हैं, आप नहीं चाहते कि वो सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके मोबाइल के गैलरी में शो हों, तो उसके लिए आपको मीडिया विजिबिलिटी पे जाना है। यहाँ से जाके आपको नो सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जो भी ग्रुप हो उसकी सेटिंग की मीडिया विजिबिलिटी में जाइए और ये सेटिंग्स आप वहाँ पे जाके सेव कर दीजिए, जिससे कोई भी फोटो या वीडियो उस पर्टिकुलर ग्रुप का आपके फ़ोन की गैलरी में शो नहीं होगा। व्हाट्सएप इमेज जुगाड़ के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेजेस से रिलेटेड जुगाड़ की। जी हाँ, अब आप व्हाट्सएप पर जो भी डिलीटेड मैसेज हैं उनको भी पढ़ पाएंगे, उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है नोटिफिकेशन हिस्ट्री ब्लॉग, और फ्री ऐप है ये, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया है, अब इस मैसेज को अगर वो जो सेंडर है वो पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता है, जैसे ही डिलीट कर दिया है फिलहाल, और अगर मैं इसको व्हाट्सएप पर जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो उस पर ये मैसेज शो नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे ही मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करनी होगी नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग ऐप, जो कि मेरे फ़ोन पर प्री इंस्टॉल्ड है। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर जैसे आप ओपन करते हैं इसको तो इस तरीके से खुल के आती है, और एडवांस्ड हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है। इस ऑप्शन में आपको जितनी भी आपके फ़ोन की ऐप्स हैं उसकी सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप भी है यहाँ पर। व्हाट्सएप पर जैसे मैं टैप करता हूँ तो ये सिद्धार्थ का जो मैसेज था वही मैसेज है जो उसने डिलीट कर दिया है, और वो हेलो इस तरीके से मैसेज आया था। तो ये थे व्हाट्सएप के 3 अमेजिंग जुगाड़। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ही व्हाट्सएप के कुछ और जुगाड़ हैं जिनकी वीडियो भी जल्द मैं लाने वाला हूं। अगर आपको भी कुछ ऐसा जुगाड़ इंक्लूड कराना है, कोई ऐसा फीचर है व्हाट्सएप का जो आपको परेशान करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका भी जुगाड़ मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। और देखते रहें टेक टेक।